हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि जब अगले हफ्ते में मार्केट को ट्रेड करना हो तो कैसे हम लॉजिकली उसे अप्रोच करें, क्या हमारे लेवल्स होंगे, कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, क्या हमारे स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट होंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइडे अगर आप देखोगे तो यूएस की मार्केट में डाउ जोन 37 पॉइंट नेगेटिव और नेस्डेक 43 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। तो एक तरीके से नेगेटिव क्लोजिंग आई है फ्राइडे को। बट आप ओवरऑल देखोगे तो जो ग्लोबल मार्केट है, यूएस की मार्केट है, काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेड हो रही है। लास्ट हफ्ते भी नेस्डेक ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है यूएस मार्केट के फ्रंट से, वो बड़ी स्ट्रांगली बड़ी स्टेबली ट्रेड कर रही है। अगर हम बाकी मार्केट देखें लाइक यूके या यूरोपियन मार्केट देखें तो वो भी हल्की नेगेटिव टेरिटरी में ही फ्राइडे को क्लोज हुई थी। बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्राइडे हम कुछ जज नहीं कर सकते। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं काफ़ी स्टेबली स्ट्रेंथली ट्रेड कर रही हैं। हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी ने 468 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी, यानी 2% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई। बैंक निफ्टी 511 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई। तो जो इलेक्शन के आउटकम वाले दिन मार्केट में फॉल आया था अपने ऑल टाइम हाई से, वो लगभग रिगेन हो चुका है पूरा। सेंसेक्स ने फ्राइडे ऑल टाइम हाई हिट किया है, निफ्टी थोड़ा सा रह गई है, होपफुली वो मंडे कर सकती है, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा रह गई है। तो जो हल्की सी कंसर्न आए थे इलेक्शन आउटकम पे, वो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हुई। तो दोबारा से जो कॉन्फिडेंस है वो रिगेन किया है मार्केट ने, और बड़ी स्टेबली हमारी मार्केट भी आगे ट्रेड कर रही है। ओवरऑल नेचर देखें तो आप देख सकते हो इस कैंडल को पूरी तरह नेगलेक्ट कर दिया है निफ्टी ने, और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देकर गई है। क्योंकि जब पॉजिटिव पोल के आउटकम आए थे, जो गैप अप हुआ था, तब भी क्लोजिंग 263 के अराउंड आई थी। तो निफ्टी ने अपनी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मैनेज करी है, जितने भी कंसर्न थे सबको ओवरकम किया है। बैंक निफ्टी अभी पीछे है नो डाउट, बट इसी तरह अगर पिक्चर क्लियर रही तो ये भी गेन कर लेगी, और शायद बैंक निफ्टी फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया जाता है उसका वेट कर रही है। और अगर वो पिक्चर क्लियर होती है और मार्केट के इस पर एक्सपेक्टेशन होती है तो श्योर शॉट बैंक निफ्टी को भी अपना ऑल टाइम हाई हिट करना चाहिए। बस फाइनेंस मिनिस्टर के जो सस्पेंस चल रहा है अभी का, उस पर जो थोड़ा सा सस्पेंस है कि कौन बनेगा, उसी कारण शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैगार्ड कर रही है। बाकी एक बार वो सस्पेंस क्लियर होते ही होपफुली बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट ज़रूर करनी चाहिए। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। अब जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, इनमें अगर एंट्री बनती है आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन से स्ट्राइक लें, ये क्वेश्चन आता है। तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं, जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। और जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं ये अगले पूरे हफ्ते वैलिड रहेंगे, तो आप पूरे हफ्ते इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सपोर्ट है 23,250, 23,000 और 721 से 750 का जोन। रेसिस्टेंस है 23,338 से 23,350 का जोन, 500 और 750। ऑप्शन सेलर 24 के ऊपर वाली कॉल सेल, 22,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन अगले वीक कर सकते हो। बेटर पिक्चर के लिए मैं एक बार क्या है चार्ट में बता देता हूँ। तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट का चार्ट मैं प्रिफर करता हूँ, तो उसी में आपको समझा देता हूँ। तो जो पूरा ये फॉल आया था बड़े स्टेबली मार्केट ने पूरा रिगेन कर लिया है। तो मंडे तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। तो गैप अप के केस में अगर हम देखें तो 338 से 350 का एक जोन आ रहा है। 338 के अराउंड निफ्टी का ऑल टाइम हाई लगा था जब पोल्स आए थे, एग्जिट पोल। तो 338 से 350 का एक जोन है जो एज अ हर्डल मार्केट के लिए काम करेगा अपकमिंग डेज में। तो छोटा सा जोन है। तो मंडे अगर गैप अप खुलती है इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 400 और 500 हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं जस्ट आउट द मनी वाली 250 और 150 के अराउंड हमारा टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए हम
इसमें ओआई के डाटा को भी एड ऑन कर सकते हैं। तो ये था टारगेट क्या होगा, एंट्री कहाँ लेनी है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस हमारा अगर हम कॉल की बात करते हैं, कॉल के केस में ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर हम पुट की बात करें तो पुट के केस में हमारे जो स्टॉप लॉस है वो ये हो जाएगा। अब अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम के टर्म में करते हैं, तो प्रीमियम में 0.4 डेल्टा के अकॉर्डिंग आप 23 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, जिस भी प्रीमियम पे आप कॉल या पुट बाई कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये था गैप अप का केस। सेकेंड केस है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है जहाँ निफ्टी क्लोज हुई है 290 पे, वहीं कहीं ओपन हो जाना। अगर 290 पे ओपन हो रही है तो 338 से 350 का जोन ऊपर आ रहा है, 250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे आ रहा है जिसे समहाउ इसने फ्राइडे गेन किया है। तो अब जैसे जब दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ये था फ्लैट का केस। अब लास्ट है थर्ड गैप डाउन का। तो गैप डाउन में लेवल आ रहा है 23,250 का जिसे समहाउ गेन किया मार्केट ने। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 150 और 23,000 होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट 338 से 350 का जोन और 400 होगा। तो ये था कि अगले हफ्ते अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले एटलीस्ट निफ्टी, तो उसे कैसे डील करना है। बाकी ये जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये अगले पूरे वीक प्ले आउट करेंगे। अगला है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 49,500, 48,934 से 49 का जोन और 48,500। रेसिस्टेंस है 50,000, 50,500 और 51,000 से 51,133 का जोन। कॉल सेल 51,500 के ऊपर वाली, पुट सेल 48 के नीचे वाली कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप बैठ के लिए पूरे वीक यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। 13 EMA के ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुली कंसोलिडेट कर रही थी फ्राइडे को। अब तीन टाइप की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। एक बार तीनों देख लेते हैं। सबसे पहले गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाई कर सकते हैं। अगर हम कॉल बाई करते हैं तो जो हमारे टारगेट होंगे 250 और 400 होगा। और क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो टारगेट हमारा 750 के अराउंड फर्स्ट और 600 हमारा सेकेंड होगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में 50,000 का लेवल है तो इसके 100 पॉइंट्स नीचे, स्टॉप लॉस पुट के केस में 100 पॉइंट्स ऊपर। और प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 50 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है बैंक निफ्टी जहाँ पर क्लोज़ हुई है 49,803 के अराउंड, वहीं पर ओपन हो जाना। अगर ऐसा होता है तो 50,000 का जोन ऊपर आ रहा है, 750 का लेवल नीचे आ रहा है, तो दोनों के बीच में कहीं ओपन होगी। अगेन इस केस में हमें वेट करना पड़ेगा कि किसी आइदर एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब हम कोई ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अब लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में तो 750 का ही लेवल आ रहा है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो 500 का लेवल आएगा। इसको ब्रेक करके सस्टेन करें तो हम पुट बाय कर सकते हैं। 500 और 400 हमारे टारगेट हो जाएंगे, 49,500 एंड 49,500, 400 सॉरी। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 50,000 और 50,100 हमारे टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि अगर अगले हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उसे डील कैसे करना है। अब हम चलते हैं थर्ड और लास्ट की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 22,748 से 750 का जोन और 21,500। रेसिस्टेंस है 22,250, 22,500, 22,660 से 750 का जोन। अगर आप ऑप्शन बायर हो या सेलर, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग हमारा लेवल्स का डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये लेवल्स आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड करने में हेल्प करेगा।
इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांसेस नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। तो और किसी भी टेलीग्राम चैनल टिप्स के चक्कर में ना रहें, वो आपकी कैपिटल की हेल्थ के लिए बड़ा इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।